मेरा नाम फरहान कुरैशी है, मैं एक एक्टर और मॉडल हूँ और करीब 2018 से मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ और करीब इतना ही टाइम मुझे एक्टिंग को हो गया है। मैंने काफ़ी सारे रैम शोज़ किए हुए हैं और अभी एक्टिंग में हूँ करीब 2 साल से, और 3 सीरियल्स में अभी रिसेंटली मैंने कैमियो प्ले किया हुआ है और कुछ मूवीज़ में मैं कैरेक्टर प्ले किए हैं। रिसेंटली मेरा एक मूवी आ रहा है दरनचू, जो नेक्स्ट वीक रिलीज़ होने वाला है। उससे पहले ये सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है ढोलिया, जो मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक तो ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, ऊपर से मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं अनमोल, उन्होंने इसको डायरेक्ट भी किया है और प्रोड्यूसर भी वो इसके हैं, को प्रोड्यूसर हैं कैलाश प्रोडक्शन के साथ में। और जो मेरी को एक्टर हैं निशु, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो काफ़ी स्पेशल ये सॉन्ग है मेरे लिए और आप लोगों को भी ये पसंद आएगा, आप लोग ज़रूर इसको देखिए। ये गाना सूरत में शूट किया है हम लोगों ने और इसकी डेट्स को लेके काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि जो डेट हमने पहले डिसाइड की थी उस डेट के ऊपर काफ़ी हैवी रेन यहाँ पर मुंबई में भी स्टार्ट हो गई और सूरत में भी, तो काफ़ी सारे चेंजेस हमें शेड्यूल को लेकर करना पड़े और उसके बाद फाइनली हमको एक अच्छा टाइम मिला और हम लोगों ने सूरत में जाकर शूट किया। हाँ, टीवी पर मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, म्यूज़िक वीडियो का मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने करीब 3 साल पहले एक म्यूज़िक वीडियो किया था, तो उसके बाद ये करना काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। कैलाश प्रोडक्शन की टीम बहुत अच्छी है, उन सबके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा, सब एज अ फैमिली काम करते हैं मिलकर। तो एक्चुअली अनमोल को मैं पहले जानता हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया है और वो इसके प्रोड्यूसर भी हैं कैलाश प्रोडक्शन के साथ में, तो हमारी बॉन्डिंग पहले से बहुत अच्छी है और ये सॉन्ग के अंदर आपको केमिस्ट्री दिखेगी किस तरीके से हम लोगों ने मिलकर उसको शूट किया। ढोलिया बेसिकली जैसे आप प्यार मोहब्बत में जो अपने गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को या अपने पार्टनर को जो एक नाम देते हैं, जैसे स्वीट हार्ट हुआ, डियर हुआ, माहिया हुआ, उसी तरीके से एक नाम ढोलिया भी होता है जो आप अपने लवर को देते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये नाम रखा गया है। मैं आप सबसे और फैन से और जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप ये सॉन्ग को देखिए और मुझे यकीन है आप सबको ये गाना बहुत पसंद आएगा, इसकी ट्यून बहुत अच्छी है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं और इसको जो हमने शूट किया है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ शूट किया है, तो आप सब लोग इसको देखिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए और आपका जो भी फीडबैक रहे उस। एक्चुअली नताशा भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, जैसा मैंने बताया कि सभी एज अ फैमिली हम लोगों ने काम किया है, तो वो बहुत बहुत ही डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर और इस बार वैसे वो खुद भी मॉडलिंग और एक्टिंग करती हैं, इस बार उन्होंने जो स्टाइलिंग किया काम को संभाला है उसको बहुत ही डेडिकेशन के साथ किया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसने हम लोगों को जो है यू नो पेश किया है इस म्यूज़िक वीडियो में। आप लोग देखेंगे तो आपको कॉस्ट्यूम से लेकर हर एक चीज़ प्रॉपर 10/10 नज़र आएगी, तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है नताशा जी। यू सो मच। ये एज अ प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर है, फर्स्ट सॉन्ग है मेरा, एज अ डायरेक्टर सेकेंड सॉन्ग है। और ये ढोलिया जब हमने सुना था ना, इज लाइक ये गाना एक ऐसा गाना है इज लाइक हर किसी से रिलेट करता है और कनेक्शन देता है, इज लाइक दिल ढोलिया, ढोलिया को दिल ढोलिया इन द सेंस कि दिल से जो हम सुनते हैं, दिल से हम बोलते हैं, तो लाइक कनेक्टिविटी वाला सॉन्ग है। और जब हमने फर्स्ट डे सॉन्ग सुना था तो उस दिन से ये सॉन्ग को करने के लिए हमने ऑलरेडी हमारे 4 गाने करने के बाद ये गाना किया, ये हमारा सेकंड सॉन्ग था बट हमने 4 गाने ऑलरेडी पहले, क्योंकि इसको हमें और बेटर देना था, जैसा फील है सॉन्ग का वो फील के साथ हम दिखाना चाहते थे कि लाइक ये सॉन्ग वैसे निकल के आए आउटपुट बाहर और ये सेम वैसे बाहर आया। और यही है कि इसमें लाइक मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा सुमित भाई, प्रिंस भाई, सोमा दीदी, इन लोग ने भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, हम लोग का ये प्लान था कि हम बेस्ट निकालने में हम लोग कैसे करें, मेरे साथ में थे सब, बहुत अच्छा लगा और बहुत बेटर था। और ढोलिया इज़ लाइक आपको बहुत पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखना ढोलिया, शेयर करना, इन द सेंस कि ढोलिया इज़ लाइक मेरे को बहुत कनेक्टिविटी वाला सॉन्ग लगा था और मैं चाहता था किसी अपने के साथ करूँ, लाइक जो वो गाना है वो मेरे दिल के करीब है, तो मैं मेरे दिल के करीब वाले के साथ करना चाहता था। और उसमें मैंने मेरी बहन को देखा कि इज़ लाइक इसके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत मल्टी टैलेंटेड लड़की है और इसके अंदर लाइक इसको ये था कि मेरे को कुछ अच्छा करना है, तो मैंने बोला तू मेरे साथ ये बना ढोलिया और ढोलिया इज़ लाइक बहुत अच्छा जाएगा हमारा, फिर हमने ढोलिया बनाया। और फरहान भाई ने हमने फर्स्ट शूट किया था, रील शूट कर रहे थे और मैं कुछ दिन फरहान भाई से बात किया, बहुत मैच्योर इंसान है और बहुत टैलेंटेड है, मतलब लाइक
वो जो चीज़ होती है ना, एक कोई इंडस्ट्री में आर्टिस्ट आप लोग देखते हो, आप लोग मीडिया में, लाइक आप लोग तो एवरीडे बहुत सारे आर्टिस्ट देखते हो, कि एक जो होता है ना कि एक जुनून वाला इंसान, तो फरहान भाई उनमें से, लाइक इनके अंदर वो बहुत अलग क्रिएटिविटी जुनून है, लाइक कि मेरे को करना है तो करना है, और चीज़ें बहुत बेटर बनाई। और इसी हिसाब से मैंने ढोलिया का कॉम्बिनेशन बनाया फरहान का, और फरहान भाई और निशु का, कि ये दोनों मैच करेंगे, और आज उसका रिजल्ट बाहर निकल के आया, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। एस कैलाश प्रोडक्शन इज़ लाइक दिल के करीब वाली चीज़ है। हमने जब ये सारी चीज़ें सोची थी कि हम करेंगे, और आज करके बैठे हैं आपके सामने, ये प्राउड फील होता है कि, और ऊपर से महादेव जी का हमारे ऊपर हाथ है, हर हर महादेव हम हर हर टाइम पे बोलते हैं, तो यही है कि बस ऊपर वाले की ऐसी कृपा बनी रहे, और हम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।